गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 7 बज चुके हैं और आज मेरा मॉर्निंग थोड़ा जल्दी हो गया है क्योंकि जनरली मैं ऐसे 7:30 बजे उठती हूँ क्योंकि बेटे के स्कूल नहीं है, नहीं तो मुझे जल्दी उठना पड़ता था। तो आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, तो मैंने ब्रश करके खुद को फ्रेश किया और उसके बाद बालों में कॉम किया। मैं सोच रही थी कि जब मैं जल्दी उठ गई हूँ तो मैं थोड़ा सा नीचे वॉक लेके आती हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं है, मैं एवरीडे नहीं मॉर्निंग में वॉक कर पाती हूँ। लेकिन अगर आज मैं जल्दी उठ गई हूँ, मेरे पास टाइम है और मंडे का डे है तो मुझे और भी काम करने हैं, लेकिन मैं आज सुबह जल्दी है तो मैं सोची कि मैं निकल जाती हूँ वॉक करने के लिए। तो इसी तरह मैं सोचा कि साथ में दूध भी ले लूँगी, तो वॉक करने के लिए सुबह सुबह की ठंडी हवा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इससे अच्छा रिफ्रेशमेंट मुझे कुछ नहीं लगता। उसके बाद मैं ग्रॉसरी शॉप में गई, मैंने मिल्क उठाया, मैं इधर उधर भाग रही थी, मुझे कहीं दूध ही नहीं मिल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था भैया ने कहाँ छुपा के रखा है। फिर मैंने देखा अरे इधर एक और बास्केट रखा हुआ है। फिर आते वक्त मुझे सब्जियाँ वाले भैया भी मिल गए, तो वहाँ भी मैंने देखा कि फ्रेश सब्जियाँ हैं, तो मैंने फ्रेश सब्जियाँ भी उठा ली। उसके बाद आने के बाद मैं तुरंत फटाफट लग गई हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स बनाने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था ये सब के चक्करों में। मैं आज जल्दी उठी थी लेकिन फिर भी मुझे लेट हो गया। तो एक साइड मैंने जल्दी से कढ़ाई चढ़ाई और भिंडियों को कट करने के लिए, क्योंकि मैंने आज सोचा है कि आप मेरे हस्बैंड डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो मैं बिल्कुल कम तेल वाली भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और बिल्कुल प्लेन चपाती दूँगी उन्हें। तो इसीलिए मैंने सबसे पहले भिंडी को एकदम कम तेल में छौंका मारा है और उसके बाद एक साइड जल्दी जल्दी मैं भिंडी छौंक रही हूँ और उसी साइड मैं दूसरे साइड में जल्दी जल्दी मैंने आटा लगा के रोटियाँ भी बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं था। मुझे लगा हस्बैंड आज लेट से निकलेंगे, लेकिन उन्हें भी आज जल्दी ही निकलना था, तो 8 बजे के करीब वो रेडी हो चुके थे। तो फटाफट मैंने भी 4 रोटियां बना ही दी, लेकिन वो बोले कि मैं रोटियां ज़्यादा नहीं लेके जाऊंगा, तो मुझे फ्रूट्स का बॉल दे दो और रोटियां मैक्सिमम 2 दे दो। तो मैंने भी सोचा कि ठीक है, ना आपका ना मेरा, मैंने 3 रोटियां रख दी उनकी। तो इसलिए मैंने सिर्फ सुबह में सिर्फ 3 ही रोटियां बनाई थी, क्योंकि बेटा उठेगा तो उसे भी मैं ताज़ी रोटियाँ ही दूँगी, क्योंकि भिंडी की सूखी सब्ज़ी के साथ मुझे लगता है कि ताज़ी रोटियाँ खाने का ही अलग मज़ा होता है। तो इसीलिए मैंने सिर्फ हस्बैंड के लिए सिर्फ 3 रोटियाँ निकाली और उसके बाद उनके लिए सिर्फ लंच बॉक्स पैक किया है। बेटा अभी भी सो रहा है, वो जनरली उठता है 10 बजे के करीब उठेगा। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, उसे थोड़ा ठीक होने में टाइम लगता है अभी उसकी तबीयत। कल रात में फिर से फीवर आ गया था उसे, तो मैंने उठ के दवा दिया उसे, तो अभी वो सो रहा है। अभी उठेगा तो कुछ खाएगा कि नहीं खाएगा मुझे पता नहीं, क्योंकि जब भी उसे फीवर होता है तो सबसे पहले एक चीज़ जो होता है वो खाना छोड़ देता है। तो मैं बाकी आटे को साइड रख देती हूँ, तो थोड़ी देर बाद मैं बना दूँगी। और अभी लेट भी हो रहा था, भिंडी की सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है, तो मैंने ये देखिए टिफ़िन बॉक्स पैक कर दिया है, फ्रूट्स बॉल और भिंडी। मेरे हस्बैंड को लेट हो रहा था, वो भी जल्दी जल्दी गए। ये स्लो मोशन में मैंने कुछ कैप्चर किया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। उसके बाद मैंने इन्जॉय किया अपने चाय को एज़ यूजुअल बाहर के नज़ारे को देखते हुए। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ फॉलो एंड शेयर।